अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सिविल कोर्ट में प्रभारी जिला जज की अध्यक्षता में सभी न्यायिक पदाधिकारियों ने किया योगाभ्यास। बुधवार को बांका सिविल कोर्ट परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रातः 6:30 बजे से 7:30 बजे तक योगाभ्यास किया गया। योग शिविर का आयोजन प्रभारी जिला जज सह ADJ प्रथम आशुतोष कुमार के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले किया गया था। योग शिविर में गाइड के रूप में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट चंदन कुमार ने सबों को योग के विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास कराया। प्रभारी जिला जज आशुतोष कुमार ने बताया कि निरंतर योग करने से मनुष्य निरोग रहता है, इससे हमारे शरीर को ऊर्जा और स्फूर्ति दोनों मिलती है। वहीं विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह ADJ प्रभाकर झा ने बताया कि योग को न केवल एक दिन औपचारिक तौर पर किया जाए वरन नियमित दिनचर्या में आधा घंटा योगाभ्यास से हम सभी बीमारियों और डॉक्टरों से दूरी बना सकते हैं। यह अत्यंत ही प्राचीन कला है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है और आज इसके महत्ता को देखते हुए पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मना रहा है। इस दौरान CJM दीपक कुमार, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शोभना सूर्यकांति समेत सभी अन्य ADJ और न्यायिक दंडाधिकारियों के साथ सिविल कोर्ट के अन्य कर्मी मौजूद थे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। हमारे गाइड के रूप में हमारे बीच में श्री चंदन कुमार जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने हम सारे लोगों को योग की सभी विधाओं से अवगत कराया और बहुत अच्छे ढंग से हम सारे लोगों ने किया। हमारे कर्मचारीगण भी इसमें उत्साह के साथ भाग लिए, उन्होंने भी हम लोगों के साथ योग का विधाओं को सीखा और एक संकल्प लिया कि आगे भी हम इसको नित्य प्रतिदिन जारी रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्वास्थ्य और मानसिक दोनों के लिए आवश्यक है। हम लोग जिस परिस्थिति में काम करते हैं उसके लिए ये विशेष लाभदायक है। धन्यवाद। बांकावासियों को क्या संदेश देंगे? बांकावासियों को संदेश यही है कि ये आज का दिन केवल आज का दिन न रहे, रोज के लिए एक दिन रहे, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही एक आवश्यक अंग है। डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले अच्छा है कि डॉक्टर के यहाँ ना जाएं, और इसमें यह हमारा योग बहुत सहायक है। भाकपा के कार्यकर्ताओं ने जन सत्याग्रह अभियान में समाहरणालय का किया घेराव, मांगों का सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को बांका जिला समाहरणालय पर पहुंचकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हजारों महिला और पुरुष कॉमरेड ने गेट पर धरना दे दिया। पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के नीतियों के विरोध में आहूत जन सत्याग्रह अभियान में शामिल होने के लिए जिले के प्रत्येक प्रखंडों से बस, ऑटो और ट्रैक्टर से भरकर CPI और माले के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे थे। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सह पूर्व विधान परिषद सदस्य संजय यादव और जिला अध्यक्ष मुनिलाल पासवान के नेतृत्व में हजारों कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने लाल झंडा और लाल सलाम का नारा लगाते हुए आजाद चौक से पैदल मार्च कर समाहरणालय गेट पर पहुंचकर उसका घेराव किया। इस दौरान मुख्य गेट को बंद कर दिया गया था, जिससे आम लोगों के साथ पदाधिकारियों को भी प्रवेश करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आंदोलन में पहुंचे लोगों ने बताया कि भाजपा सरकार के द्वारा किए गए वादा खिलाफी जैसे काला धन वापसी के साथ 15 लाख खाते में, महंगाई कम करने, बेरोजगारी दूर करने जैसे कई मुद्दों पर आज कोई नहीं बोलता। देश के उद्योगपतियों का लोन माफ होता है लेकिन किसानों का नहीं, यहाँ तक कि काम का समय पर मजदूरी भी नहीं मिलता। बांका जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि किसानों के अनाज के समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी को अविलंब लागू किया जाए, कृषि के कंपनीकरण इस साजिश को बंद किया जाए, मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी कटौती को अविलंब वापस लिया जाए, देश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी उपलब्ध किया जाए, केंद्रीय जांच एजेंसी जैसी ही CBI के दुरुपयोग को केंद्र सरकार द्वारा तत्काल बंद करा जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द करते हुए समान शिक्षा नीति को लागू किया जाए, आडवाणी की संपत्ति को जॉब करते हुए घोटालेबाजों को जेल में बंद किया जाए, देश में बढ़ती महंगाई पर तत्काल रोक लगाया जाए। सर, आज क्यों आप लोग इतने भारी तादाद में जिला मुख्यालय पहुंचे हुए हैं? जिला मुख्यालय आ रहे, जो हम लोग गिरफ्तारी देने के लिए आए थे केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ में, और केंद्र सरकार की जो ये नीति है बहुत खराब है, हमारी आम जनता के खिलाफ में है, जिसके कारण हम लोगों ने आज गिरफ्तारी देने के लिए आए थे। जो आज केंद्र सरकार की जो नीति है, उन्होंने हमारी जनता की जो गरीब कमाई है वो प्राइवेट हाथों में बेचते जा रहे हैं, वो अडानी अंबानी के हाथों में बेचते जा रहे हैं, जिसके खिलाफ में हम लोगों ने आज ये काम किए हैं। केंद्र की सरकार ने जो आज संविधान है, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान से देश चलती है, नोटी मोदी जी के डिक्टेटरशिप से देश चलेगा,
इसके खिलाफ में हम लोगों ने आज आंदोलन करने के लिए आए थे और जेल भरने के लिए आए थे, जिसके कारण से हम लोगों ने जा रहे हैं। तो क्या ज्ञापन सौंपे आप लोग डीएम को? मैंने ज्ञापन भी तो दिया, हम लोगों ने कितनों का है कि हम लोगों को गिरफ्तार करिए, जेल ले चलिए, लेकिन प्रशासन ने ना हम लोगों को गिरफ्तार किया ना जेल ले गया। तो आप लोग का पदयात्रा कहाँ तक चलेगा अभी? अभी पदयात्रा तो अब हम लोग जा रहे हैं, आए थे हम लोग आजाद चौक से पदयात्रा करते हुए आ रहे थे, अब हम लोग आजाद चौक पर जाकर पदयात्रा खत्म करेंगे। बौसी प्रखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक भगवान मधुसूदन मंदिर से मंगलवार को ढोल नगाड़ी और गाजी बाजी के साथ भव्य रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा निकालने के पूर्व भगवान मधुसूदन को मंदिर के शयन कक्ष से बाहर लाकर 16 पहिए वाले रथ पर विराजमान कराया गया। मंदिर के पंडित अवधेश ठाकुर के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना और हवन के बाद मंदिर के पंडा समाज और श्रद्धालुओं के द्वारा भगवान के रथ को खींचकर पूजन और भगवान के दर्शन करने पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं के बीच जैन मंदिर के मुख्य द्वार तक लाया गया। जब भगवान मधुसूदन के पूजन और दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में प्रखंड क्षेत्र के श्रद्धालु उमड़ पड़े, जैन मंदिर मुख्य द्वार के समीप हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं द्वारा भगवान मधुसूदन का पूजन और दर्शन के उपरांत भगवान मधुसूदन के रथ को पुनः मंदिर परिसर के पास लाया गया, जहाँ से भगवान मधुसूदन को मंदिर के पंडितों के द्वारा उठाकर शयन कक्ष तक पहुंचाया गया। मालूम हो कि विगत 2 वर्षों से रेलवे के द्वारा रास्ते में फाटक लगाने और 25,000 केवीए तार गुजरने की वजह से भगवान मधुसूदन की रथ यात्रा मुख्य बाजार से बजरंगबली मंदिर तक नहीं पहुंच पा रही। पद पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण से द्वारिका देखने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ ने बड़े भाई बल्लभ के साथ सुभद्रा को रथ में बिठाकर गुडिंचा मंदिर मौसी के घर तक भ्रमण कराया था। तभी से रथ यात्रा निकालने की परंपरा शुरू हुई है। मधुसूदन मंदिर के पंडित अवधेश ठाकुर ने बताया कि भगवान जगन्नाथ स्वामी ने राजा इंद्रत्युमन से स्वयं कहा था कि मैं जगत के कल्याण के वास्ते दक्षिण दिशा की ओर गुडिंचा मंदिर की ओर प्रस्थान करूंगा। उन्होंने बताया कि भगवान के रथ को खींचने और छूने मात्र से सारे पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने यह भी बताया कि मधुसूदन मंदिर से रथ यात्रा निकालने की परंपरा 500 वर्ष पुरानी है। पंजवारा में चोरों का आतंक। शनिवार रात को थाना मुख्यालय से सटे मुख्य पथ कचमचिया विसहरी टोला में घर का ताला तोड़कर नकदी सहित अन्य सामानों पर चोरों ने हाथा किया। गृह स्वामी रमेश सिंह, संतोष सिंह दोनों भाइयों ने कहा कि घर के कमरे में रखा नकदी 20,000, एक भर से अधिक सोने का जेवर तथा 40 भर से अधिक चांदी का जेवर चोर ले गया। रात में गर्मी से परेशान होकर नीचे घर में ताला लगा कर छत पर सोने के लिए चले गए थे। इसी बीच देर रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया, बक्सा ट्रंक गोदरेज आदि का लॉक तोड़कर मनमर्जी से सामानों की चोरी की। 2-3 बक्सा को बाहर खेत में ले जाकर खोला, बक्सा सहित गैर जरूरी सामान वहीं पर फेंक दिया गया। बताया गया कि सुबह सूचना पर पंजवारा थाना अध्यक्ष अनिल कुमार साहब ने मामले की जांच की। क्या नाम है आपका? देवी। क्या क्या चोरी हुआ है इस घर में? इसका भाई, 2 भाई का सब कुछ चोरी हो गया है, जेवर जेवरा कपड़ा लगता, एक मुंह का, 3-3 आदमी का चोरी। इससे पहले भी कुछ हुआ था? घटना क्या? उससे पहले पिताजी का 2-3 साल पहले डेट हो गया था, और उसके बाद 4 महीना पहले एक भाई का पत्नी डेट हो गया। कोई घटना हुआ था क्या ऐसे? अरे घटना, थोड़ा बीमार थी और उसमें क्या, लेकिन तब पता नहीं सर, लेकिन अचानक हो गया सब कुछ। क्या लगता है कितने का चोरी हुआ होगा इस घर का? सब लगेगा 8-9 लाख के। ये 3-3 भाइयों का चोरी। 9 लाख का क्या क्या सामान था जो 9 लाख हो गया? सभी 2 भाइयों का पत्नी का जेवर था, कपड़े लगते था, पीतल का बर्तन था, कच्चा का बर्तन था। एससीए शासन क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य फाइनल मुकाबला में मालती सुपर किंग ने मारी बाजी। धोरैया प्रखंड के लोगाई पंचायत के ग्राम शासन मैदान में एससीए शासन क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला में मालती सुपर किंग टीम ने अपने प्रतिद्वंदी टीम भगोंदा
टाइटन से काफी रनों के अंतर से पीछे छोड़कर कब्जा जमा लिया। ज्ञात हो कि ग्राम शासन के खेल मैदान में आयोजित 16 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया। इस खेल में 16 क्रिकेट टीमों ने भाग लिया, जिसके अंतिम दिन का फाइनल मुकाबला भगोदा टाइटन एवं मालती सुपर किंग के बीच खेला गया। इस मुकाबले को सफल बनाने में मुख्य अतिथि के रूप में लोगाई पंचायत के पंचायत समिति सदस्य सोहेल कुमार ने विजेता टीम एवं उप विजेता टीम को चमचमाती ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। वह इस क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में स्पॉन्सर के रूप में विक्की कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मौके पर पंचायत के मुखिया ब्रह्मदेव सिंह, विकास कुमार, राजेश कुमार, अमरकांत जीवन, राकेश धर्म आदि जनप्रतिनिधि एवं सैकड़ों क्रिकेट प्रेमी मौजूद थे। सदियों से उस जमाने में यहाँ खेला जाता था, उसके बाद ड्रामा भी खेला जाता था और धार्मिक जितना भी काम है यहाँ होता रहा है। आज क्रिकेट का भी हो रहा है। यहाँ के सभी युवकों को धन्यवाद देता हूँ और हम रहेंगे आप लोगों के साथ। मेरे शब्दों के साथ मैं अपनी बात कर रहा हूँ।